बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़ रहे यात्रियों को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने सोनप्रयाग और गौरीकुंड में दो दो घंटे तक हजारों यात्रियों को रोके रखा है। इस दौरान पैदल मार्ग पर भीड़ कम होने पर ही यात्रियों को केदारनाथ के लिए भेजा गया। दूसरी तरफ बुधवार को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक 26.470 यात्री सोनप्रयाग से केदारनाथ रवाना हुए। पिछले 6 दिनों में यह दूसरा मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में यात्री भेजे गए हैं। यात्रियों को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने घंटों रोका। यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्री दबाव को कम करने के लिए बुधवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक दो दो घंटे यात्रियों को रोका गया। यात्रा कंट्रोल रूम में बताया गया कि सुबह 8 बजे तक 18.620 यात्रियों ने सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया था। साथ ही धाम से दर्शन कर लौट रहे यात्रियों के कारण रास्ते पर दो तरफा काफी भीड़ रही, जिसे देखते हुए दोनों पड़ावों पर यात्रियों को रोका गया। यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था के लिए ITBP की एक प्लाटून को तैनात कर दिया गया है। यह प्लाटून मंदिर परिसर और मंदिर मार्ग पर दर्शनों के लिए खड़े यात्रियों की मदद करेगी। पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि एक प्लाटून में 30 ITBP के जवान हैं। वहीं सोनप्रयाग और गुप्तकाशी में भी एक एक प्लाटून को रखा गया है। इसके अलावा पुलिस SDRF, TDRF यात्रा मैनेजमेंट फोर्स के जवान पहले से ही तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।